नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी की याद में कोविड-19 राहत कोष में समाज सेवी ने दिया 1 लाख का चेक। जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर आज राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश सचिव सुशील कुमार सिल्लो ने अपने पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश गोयल की 19वीं पुण्यतिथि पर कोविड-19 के राहत कोष में 1 लाख का जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को चेक दिया। सुशील कुमार सिल्लो ने बताया कि हमारे पिता ओम प्रकाश गोयल 1942 से 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, वहीं देश को आजाद करने में पूरा सहयोग किया है और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ओम प्रकाश गोयल शहर की जानी मानी हस्ती थे और ओमी घोड़े वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। हमने उनकी 19वीं पुण्यतिथि पर आज सरकार के राहत कोष में 1 लाख का सहायता राशि का चेक जिलाधिकारी को सौंपा है, जिससे लोगों की सहायता हो सके। वहीं हम सबको कोरोना से बचने के लिए भी जागरूक करते रहते हैं। वहीं सहायता राशि का चेक सौंपने में वैश्य समाज के वरिष्ठ नेता रेवतेंद्र सिंघल, आकाशदीप गोयल सहित कई लोग मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। जी आपका नाम? सुशील सिल्लो। सुशील जी, डीएम ऑफिस आई है, क्या मामला? आज डीएम साहब को हमने 1 लाख रुपए का चेक हमारे फादर की पुण्यतिथि पर दिया गया है, जो कोविड में दैवीय आपदा में दिया गया है। आज आपके पिताजी की, हमारे फादर लाल ओम प्रकाश ओम घोड़ी वाले के नाम से मशहूर और भूतपूर्व सैनिक, 1942 से 47 तक की लड़ाई लड़ी, उनकी याद में आज 1 लाख रुपए का चेक डीएम साहब को दिया है। क्या समझते हैं सर कोविड को लेकर? कोविड को लेकर हमारी सरकार, ये सरकार जो है काफी मेहनत से लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल रही है और सबको आपदा से बचा रही है, और हमारा भी ये थोड़ा बहुत इशारा सहारा इसमें लग जाए तो हम अपने आप को पुण्य के भागी समझेंगे। और लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किस तरह का संदेश? और लोग भी जागरूक हो रहे हैं, इस कहने की बात नहीं, हर आदमी परेशान है कि हम किस तरह से और को भी जागरूक करें। आदमी चलते फिरते लोगों से कह देते हैं, भाई मास्क क्यों नहीं लगाया तुमने, मास्क ऊपर कर, मास्क नीचे कर। आज मुझे भी मेरा मास्क जैसे नीचे को, मुझे कितनों ने कहा भाई मास्क ऊपर कर, मास्क ऊपर भी करा। ऐसा लोगों में जागरूकता है और जागरूकता बनी रहेगी।